Today we are going to read another two mails from Oxford Progressive English for class 6. Okay, let's see. Okay, in the previous video, we have learned about these two mails. Now we are going to learn the mail from Nepal and Havana. Here is the recipient address and here is the receiver's address. Jangbu sent this mail to Asad. Obviously, the greetings from Kathmandu, one of the city of Nepal. Okay, obviously, he has started with hi. Here in Nepal, we have Mount Everest. Acha, you can see a peak here, a mount here. Its name is Mount Everest. Okay, this mount is the highest mountain of the world is Mount Everest, which is located in Nepal. Okay, here in Nepal we have Mount Everest. Okay, what is Jangbu is saying? Ke Nepal mein jo hamare paas Mount Everest hai, which in our language we call Sagar Matha. Yani Nepali language mein is Sagar Matha iska dusra naam hai Nepali language mein. ओके अच्छा इट इज़ एट 29,035 फीट यानी 29,033 फुट की बुलंदी पे है ये जगह. इट इज़ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बुलंदरी पहाड़ है. मैनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, दुनिया से कई लोग जो है आते हैं इस चोटी को सर करने के लिए. एंड वॉक एंड ट्रैक इन स्टनिंगली ब्यूटीफुल माउंटेंस, और हैरत अंगेज खूबसूरती वाले इस पहाड़ पर ट्रैकिंग करते हैं और चलते हैं. इन 1953 टेंजिंग नॉर्गे, अच्छा टेंजिंग नॉर्गे, अच्छा वहाँ पे अब ये जो जहाँ से ये मेल भेजी गई है और जिस एरिया माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ पे जो बताया गया, तो माउंट एवरेस्ट तिब्बतियन और तिब्बतियन यानी बॉर्डर के साथ में लगता है, यानी नेपाल और तिब्बत का मुश्तर के बॉर्डर के साथ में लगता है. ठीक है, तो वहाँ पे एक कौम आबाद है जो कि शर्पा कहलाती है, शर्पा. ठीक है, वहाँ पे एक कौम आबाद है, तो वो कौम जो है शर्पा कहलाती है और वो बहुत हार्ड वर्किंग टाइप की है और वो पहाड़ों पर चढ़ने के बहुत शौकीन है, तो उनके काफ़ी सारे एक्सपेडिशंस भी मशहूर हैं. तो टेंजिंग नॉर्गे नेपलेस शर्पा था. ठीक है, यानी शर्पा जो नेशन है उसका एक मेंबर था. बिकेम द फर्स्ट मैन, अच्छा अब वो किसके साथ में, अच्छा अमूमन क्या होता है कि वो जो गाइड आते हैं या जो ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं या चोटी को सर करने के लिए लोग आते हैं, तो वहाँ के जो लोकल आबादी वाले जो लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं. तो इसी तरीके से टेंजिंग नॉर्गे ने भी हेल्प की थी एक न्यूजीलैंडर की जिनका नाम एडमंड हिलरे था. अच्छा अब क्या था कि टू रीच द रूफ ऑफ द वर्ल्ड विच इज द माउंटेनियर्स नेम फॉर द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट. अच्छा अब देखें ये जो आपको माउंटेनियर से आ रहा है इसका जो टॉप पार्ट है, ये जो टॉप पार्ट है ये समिट ऑफ माउंटेन कहलाता है, यानी सबसे बुलंद तरीन जो मुकाम होता है किसी भी चोटी का वो समिट ऑफ द माउंटेन कहलाता है. ठीक है, अच्छा अब माउंटेनियर्स जो है इस माउंट एवरेस्ट के पहाड़ की जो समिट यानी ये जो ऊंचाई वाला जो पार्ट है इसका नाम उन्होंने अपनी मर्जी से एक रखा हुआ है, वो नाम क्या है, वो कहलाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये माउंटेनियर्स का अपना गिवन नेम है रूफ ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा अब क्या है कि नेपाली शर्पा के साथ में यानी जिनका नाम के टेंजिंग नॉर्गे था, एक न्यूजीलैंडर एडमंड हेलरे के साथ में मिलकर उसने यानी चोटी तक पहुंचा, बुलंद तरीन मुकाम तक जिसे कि माउंटेनियर्स है रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत का नाम देते हैं और जो कि बुलंद तरीन यानी माउंट एवरेस्ट का मकाम है. समिट बुलंद तरीन के सेंस में यूज़ होगा. लास्ट ईयर अ लोकल 15-year-old girl became the youngest mountaineer ever to reach the summit. अच्छा अब पिछले साल एक यानी उसी वहाँ के जो रिहायशी हैं
उस इलाके के जो रिहायशी हैं, तो एक 15 साल लड़की वो दुनिया की यानी सबसे छोटी तरीन कोह पैमा बनी एवर टू डू, यानी उस बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचने के लिए, यानी इस टॉप तक पहुंचने के लिए। दीज हाई एल्टीट्यूड्स आर, एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है बुलंदी, आर टू हाई फॉर द हॉर्सेस एंड काउ। अच्छा, जो नॉर्मल जो जानवर हैं, यानी जैसे हमें अपने इर्द गिर्द फूड पर्पज़ के लिए या किसी भी तरीके से बाड़ों में हमें जो जानवर नज़र आते हैं ना, गाय भैंस टाइप के जो जानवर नज़र आते हैं, तो वो मैदानी इलाकों के हिसाब से हैं, प्लेन एरियाज के हिसाब से हैं। ठीक है, अगर हम उन्हें रहने के लिए किसी पहाड़ी इलाके में छोड़ देंगे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे पहाड़ी इलाकों में जो जानवर होते हैं वो ज़रा अलग टाइप के होते हैं कि उनमें इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो उन पहाड़ों पर चढ़ उतर सकते हैं, वहाँ पे अपनी ग़िज़ा तलाश कर सकते हैं। तो आम जो जानवर है वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अब यानी ये जो माउंट एवरेस्ट का जो एरिया है, ऑब्वियसली के इसमें काफ़ी सारे इस एरिया में पहाड़ होंगे यकीनी तौर पर, और बहुत ज़्यादा टफ टाइप का एरिया होगा रहने के हिसाब से। तो अब यहाँ पर इतनी बुलंदी पर यानी घोड़े और जो गाय वगैरह हैं वो, उनके लिए ये जो जगह है माउंट एवरेस्ट वाली वो इंतहाई बुलंद तरीन है। और मोस्ट स्पेशियस एनिमल इज़ याक, याक। अच्छा, जो सबसे इनका जो मशहूर कीमती जो जानवर है वो याक है। याक किस टाइप का होता है? ये बैल के ही तरह का, बैल के ही साइज़ का एक जानवर होता है। ठीक है, और इसके जिस्म पे बहुत सारे बाल होते हैं और वो बहुत ताकतवर होता है। ठीक है, इसे तिब्बतियन बैल भी कहा जाता है। अच्छा, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग हैवी लार्ज हॉर्न एनिमल्स, यानी ये ताकतवर भारी और बड़े सींग रखने वाला जानवर होता है। दैट लाइक्स टू लिव एट हाइट्स अप टू 18,000 feet। अच्छा, और इन यानी याक को जो है 18,000 की बुलंदी पर रहना, इससे ज़्यादा की बुलंदी पर रहना पसंद होता है। द याक हैज़ अ लॉन्ग थिक शैगी कोट। अच्छा, अब याक जो है उसका लंबा मोटा और शैगी यानी बहुत बालों वाला जो है कोट होता है, फर होता है। एंड द साइज ऑफ अ लार्ज ऑक्स, और एक बड़े बैल के साइज़ का होता है। इट प्रोवाइड्स विद फूड। अच्छा, अब ये क्या क्या प्रोवाइड करता है वहाँ के लोकल्स को? खाना, यानी याक को खाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट का भी जरिया है, शेल्टर एंड क्लॉथिंग के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो स्किन होती है वो बहुत प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और उसकी स्किन को ड्राई करके उसकी क्लॉथिंग भी तैयार की जाती है, क्योंकि वहाँ का जो वेदर होता है इंतहाई एक्सट्रीम होता है ऐसे एरियाज़ का। कैन यू सी व्हाई द तिब्बतियन वर्ड फॉर याक इज़ नोर? क्या तुम मतलब जानते हो कि तिब्बत का यानी तिब्बतियन लैंग्वेज में जो लफ्ज़ है याक के लिए नोर है, और जिसका मतलब है दौलत, यानी जिसके पास जितने याक होते हैं वो उतना ज़्यादा दौलतमंद तिब्बत में काउंट, यानी तिब्बतन जो भी उनकी थिंकिंग है उसमें वो अमीर तरीन काउंट होता है। ओके, इसको सम अप करते हैं अब। अच्छा, इसको सम अप करते हैं तो अब आप देखेंगे क्या क्या इसमें बताया गया है। इसमें सबसे पहले तो बताया गया है कि द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन नेम इज़ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एंड इट्स लोकल नेम इज़ सागरमाथा। ओके, the highest summit of the Mount Everest is called the roof of the world, and mountaineers named it the roof of the world. The summit of the Everest is called the roof of the world, which is given by the mountaineers. Acha, two men in 1953, Tenzing Norgay, who was a Nepali Sherpa, and Edmund Hillary, New Zealander, these two men reached the summit of the Mount Everest. Okay, others animals could not survive over there, cannot survive because of the tough feather. Only one animal, yak, that is in Urdu called Tibeti bell. It's like cow or bell. अच्छा, याक इज़ अ स्ट्रॉन्ग हैवी लॉन्ग हॉर्न एनिमल। इट लाइक्स टू लिव एट द हाइट अप टू 18,000 feet। अच्छा, इट प्रोवाइड्स फूड टू द लोकल्स
transport to the locals and shelter to the locals and as well as clothing to the locals. Another word for yag is in Tibetan language is nor, which means, well, means the person who has many yag is considered a rich man. Okay, now it's time to start another one. The another male is from Cuba, Havana. Cuba mein area hai Havana, to wahan se ye wali male hai. अब देखिए इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. अच्छा, हवाना सिटी नेम है जो कि क्यूबा में है. मारिया की तरफ से तलहा को मिल गई है. ठीक है, रेसिपिएंट इज़ मारिया एंड रिसीवर इज़ तलहा. ओके, इन दिस मेल वी हैव यूज्ड वर्ड हाय फॉर ग्रीटिंग. इन दिस मेल वी यूज हेलो. इधर आप देखेंगे फेवरेट. ओके, नाउ होला इज़ लाइक हेलो और हाय. हवाना इज़ रिच इन हिस्ट्री एंड हैज़ वंडरफुल आर्किटेक्चर, यानी इसकी जो तारीख है वो इंतहाई बेहतरीन है. एंड हैज़ वंडरफुल आर्किटेक्चर, फ़न तामीर इसका यानी बहुत शानदार है. एंड देर इज़ म्यूज़िक एवरीवेयर, और इसकी मौसीकी की वजह से बहुत मशहूर है क्योंकि वहाँ पर आपको गलियों में भी, स्ट्रीट्स में भी जो है लोकल्स वहाँ के म्यूज़िक में बहुत तरीके से इन्वॉल्व नज़र आएंगे. कैसे इन्वॉल्व नज़र आएंगे तो हम जैसे ही आगे रीडिंग करेंगे तो हमें और अच्छे तरीके से पता चलेगा. ओके, आर पीपल इन्जॉय मेकिंग रुम्बा म्यूज़िक ऑल ओवर हवाना. अच्छा, इनका जो स्पेशल म्यूज़िक है वहाँ का वो रुम्बा है. ठीक है, और पीपल वहाँ के जो लोग हैं वो रुम्बा म्यूज़िक को पसंद करते हैं, और यानी वही आपको सड़कों पर वो करते हुए नज़र गलियों में आएंगे. इनसाइड एंड आउटसाइड रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट्स जो हैं वहाँ पे भी आपको करते नज़र आएंगे, रेस्टोरेंट के अंदर भी और बाहर भी. ऑन बालकनीज में, स्क्वायर्स में, यानी स्क्वायर्स जो है चौक कहलाते हैं या स्टॉप वगैरह कहलाते हैं. और दरख्तों के साए के तले, इन द शेड्स ऑफ ट्री, दरख्तों के साए तले, एवरीवेयर, यानी हर जगह पे रूम्बा म्यूज़िक किसी ना किसी तरीके से प्ले करते नज़र आएंगे. अच्छा, अब उसका जो मारिया है उसका रीज़न क्या बता रही है. वी लव द ड्रम्स एंड अफ्रीकन रिदम ऑफ आवर एफ्रो क्यूबन म्यूज़िक. अच्छा, ये रुम्बा जो म्यूज़िक है ये एफ्रो क्यूबन म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन है, यानी अफ्रीका और यानी क्यूबा इनकी मिक्सचर के साथ में ये रुम्बा म्यूज़िक बना है. इसमें ड्रम्स की बीट पे यानी एक ताल मिला के जो है डांस किया जाता है ड्रम की बीट पे. ठीक है, तो ये एक ख़ास किस्म का डांस है जो कि रुम्बा कहलाता है. We are proud that it is the most popular in the whole world of Latin America. और साथ में क्या कह रहे हैं मारिया, क्या कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं कि ये लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा मशहूर है. अच्छा, लैटिन अमेरिका क्या होता है? लातिनी अमेरिका कहलाता है. लेकिन इसका मतलब ये है क्या? लातिनी अमेरिका में तकरीबन 20 नेशंस आती हैं, 20 के करीब नेशंस आती हैं लैटिन अमेरिका में. ठीक है, जो कि मुख्तलिफ यानी इलाकों में मतलब फैली हुई हैं, यानी अपने कंट्रीज़ के हिसाब से फैली हैं, लेकिन वो 20 जो नेशंस हैं वो लैटिन अमेरिका के अंदर आती हैं. तो उनमें से मैं कुछ नाम बताती हूँ, जैसे एक तो क्यूबा है, पेरो है, चाइल है, और ब्राज़ील भी इसमें आ जाता है, और भी यानी टोटल मिला के 20 नेशंस जो हैं वो लैटिन अमेरिका में आती हैं. हवाना इज़ फेमस फॉर अ ह्यूज ओल्ड 1950s अमेरिकन कार्स. अच्छा, हवाना क्यों मशहूर है? यानी 1950 की दिहाई की अमरीकी कारों की वजह से, विद द मेटल टेल फेंस, यानी जिनकी यानी धात की दुमे और पर होते हैं, विच वी स्टिल ड्राइव, जो कि अभी तक भी वहाँ पे चलाई जाती हैं. वी कैन सी दैम पेंटेड इन मैनी डिफरेंट ब्रिलियंट कलर्स, और हम उन्हें मुख्तलिफ कलर्स में उनको यानी पेंट करते हैं. क्यूबा इज़ फेमस टू फॉर इट्स मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर. अच्छा, क्यूबा एक और भी वजह से मशहूर है. वो किस वजह से है? कि वो शुगर की यानी तैयारी भी करता है, एंड फैट क्यूबन सिगार, और उसके अलावा जो सिगार होते हैं यानी सिगरेट की तरह के होते हैं लेकिन सिगरेट से थोड़े से मोटे होते हैं, जो कि यानी एक ख़ास किस्म के फैट से बनाए जाते हैं, उन
को बनाने में भी क्यूबा जो है काफ़ी मशहूर है। ओके, इस मील का सम अप करते हैं। अच्छा, अब इसमें हमें एक तो सबसे पहले बताया गया कि क्यूबा मशहूर क्यों है, ठीक है, हवाना मशहूर क्यों है। हवाना किस वजह से मशहूर है, कि वो आर्किटेक्चर की वजह से, अपनी हिस्ट्री की वजह से मशहूर है, और अपने म्यूज़िक की वजह से। और वो म्यूज़िक कौन सा है, दैट म्यूज़िक इज़ इन एक्चुअल कॉल्ड रुम्बा। ओके, इट इज़ यूजली रिदमिक म्यूज़िक ऑन ड्रम, ठीक है। और इसके अलावा यानी वहाँ के लैटिन अमेरिका में, यानी पूरे लैटिन अमेरिका में ये मशहूर है। लैटिन अमेरिका के अंदर देर आर 20 नेशंस। और इसके अलावा 1950s की दहाई में जो फिन्स और टेल्स वाली जो कार्स चलती थी, वो भी अभी तक चल रही है, और उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके अलावा ये शुगर का की तैयारी का, यानी वर्ल्ड की अच्छी खासी शुगर की पैदावार करता है। और इसके अलावा जो फैट क्यूबन सिगार बनते हैं, वो भी इसी एरिया में बनाए जाते हैं, दैट इज़ वाई दैट एरिया इज़ फेमस। ओके, ये टू मेल्स थी जो कि हमने कवर की, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स थी, ई मेल्स थी। अब नेक्स्ट हम एक एक्सरसाइज बुक के सॉल्व करने वाले हैं, विच इज़ ऑन पेज नंबर 16 and 17। ओके, दैट वॉज इन एक्चुअल द ग्रामर टॉपिक। ओके, लेट्स सी माई नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस।